हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम नीलम चौहान और आज है दशहरा, इसलिए तीर यहाँ पे माला लगा रहे हैं और हम लोग जाएंगे उसके बाद कार की पूजा करने। और कल है, हमने रखा है हेजल का बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी, सो बस दिस व्लॉग विल बी ऑल अबाउट हेजल्स बर्थडे पार्टी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं जितना व्लॉग कर पाई हूँ उतना मैंने किया है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। ये बनाई है हमने कंकू वाली वो डिश और फिर वेट वाइप्स ले लिए साथ में, बिकॉज उसके पैर ख़राब होंगे तो वो करना है। देखो हमारा गच्चू, ए गच्चू कहाँ जा रहे हो। और ये है हमारी माला जो कार के लिए है। आ जाओ। और यहाँ पे है पूरा पसारा, देखो घर में क्योंकि मेहमान आता है ना तो गद्दे तो चाहिए। और यहाँ पे सब सामान, अभी तो घर ऐसा बन रखा है ना, क्या बताओ। क्या हुआ हेजल? हेजल क्या हो गया? हेजल क्या हुआ? आयदान करवाते हैं ऐसे, फिर एक स्ट्रगल अलग हो जाता है क्योंकि बेबी सीधा नहीं रहता है। बस 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 बस, हो गया, कुछ हो रहा है पैर में? कुछ हो रहा है? ओके, डन। अभी हमें ना मस्त वाली माला बना। देखो वीडियो, हेजल वीडियो देखो, वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। अभी वो हेजल है ना, बिजी है पापा को देखने में कि पापा क्या कर रहे हैं कार में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। कार पूजा के बाद मैंने उसको इवनिंग स्नैक्स में दिया एप्पल, उसने खाया। और उसके बाद आज है ना आंटी नहीं आने वाले थे खाना बनाने, तो इसलिए मम्मी बना रही है पाव भाजी। मैं लेके आई थी पाव वगैरह और मम्मी पाव भाजी अच्छी बना लेती है, तो इसलिए मम्मी वो सब तैयारियां कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा चॉपिंग कर लेती हूँ और साथ में मम्मी साइड में पाव भाजी बना देगी। मैंने कचुम्बर बना दी और हेजल सो गई थी तब तक क्योंकि उसका इवनिंग का नैप का टाइम हो चुका था। Early the next morning. Hi guys, this is next morning और मैंने अभी आइसिंग किया है इसलिए मेरा फेस वेट दिख रहा है। और यहाँ पे है ना रूम तो ऐसा है ना, अभी क्या बताऊँ, वो अभी ऐसा ही चलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया मम्मी ने हेजल का किया है फेशियल, अभी देखते हैं कि उसका ग्लो कैसा है। हेजल बड़े उंगली। मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है भिंडी बनाने की और हेजल खेल रही है भिंडी के साथ। कब से खेल रही है, एक घंटा होने वाला है। Much later. Hi guys, तो आज है हेजल का बर्थडे सेलिब्रेशन, शाम को पार्टी है, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। आईब्रो मैंने अभी ये वाले रेजर से की है और अभी लगा रही हूँ मैं नो स्ट्रिप, बिकॉज बाकी का कुछ टाइम नहीं मिला मुझे करने को। उससे पहले धीर कहीं गए थे और
यू कैन अंडरस्टैंड कि पार्टी होती है तो कितना ज़्यादा सब कुछ मैनेजमेंट करना होता है. तो बस वही है, आज का दिन हेक्टिक भी रहेगा. अभी देखते हैं, हेज़ल का हमने शेड्यूल तो चेंज करने की ट्राई की है, लाइक उसको पहले उठा लिया था, बाद में सुला दिया है, अभी ही सोई है वो. लेट्स सी क्या होता है. मेरे ग्रूमिंग के बाद मैंने की मोनिका की आईब्रो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करवा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ. उसको ऑफकोर्स हर्ट होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आईब्रो करवाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बहुत पेन होता है क्योंकि हमको आदत नहीं होती ना, इसलिए. और उसके बाद हम लोग करने वाले थे ये घर पे ही मास्किंग. तो मतलब ये एक फेशियल टाइप का मास्क है, बट इसमें है ना एक ऐसा सीवीड टाइप का आता है, उसमें जेल डालना है, और ये बहुत ही कूलिंग वाला इफ़ेक्ट दे रहा था, बहुत ही फैंटास्टिक है. मैंने ये वाला आपको पैकेट दिखाया है, तो आप ये ऑनलाइन देख सकते हो. मेरे भाभी तो ऑफलाइन स्टोर से लाए थे, बट बहुत ही लाजवाब इसका रिज़ल्ट था. तो मैं आप लोगों को हाईली 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 रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये वाले का ग्लो बहुत ही प्यारा आया था. वी आर डूइंग स्किन केयर, भूत जैसे लग रहे हैं हम. हमने रख दिया है हमारा मिरर बालकनी में, यहाँ पे भाभी यहाँ आराम फरमा रहे और और मम्मी हमारे पैसों की वसूली कर रही है, क्योंकि ये मास्क है ना अभी रबर जैसा हो गया ऑलरेडी, और मम्मी लगा रही है. मम्मी बोल रही है मैं पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं. एंड गाइज, हेज़ल को देखो, अभी वो चलने लगे हैं ना तो इतना ज़्यादा चलती है यहाँ से वहाँ, उसके पैर नहीं दर्द करते, हमको उसको देखते देखते हमारे पैर दर्द कर जाते हैं. पर है ना वो बैठती नहीं है बिल्कुल भी. हम लेते हैं उसको, उठाते हैं तो भी उसको रोना है क्योंकि उसको नीचे चलना है, और हम उसको सुलाते हैं या फिर बिठाते हैं तो भी वो बैठती नहीं है, वो उठ ही जाती है, यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ करती रहती है. बट उसको बहुत मज़ा आ रहा है. डेफिनेटली वो फेज़ होता है बच्चों का कि उनको चलना आता है, मतलब जब बैठने लगते हैं तो उनको सोना नहीं है, क्रॉल करते हैं तो बैठना नहीं है, चलते हैं तो क्रॉल नहीं करना है. सो इट्स लाइक वाइज. 2 hours later अभी इवनिंग में हेज़ल को वापस सुलाया है ताकि हम पार्टी में जाए, उससे पहले उसका नैप हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा फ्रेश रहेगी. हाय गाइस, तो बस हेज़ल सोई है तो मैंने सोचा कि चलो डेकोरेशन देख के आ जाते हैं वहाँ हॉल पे, और उसके बाद मैं घर आके रेडी होंगी. मैंने बस मेरे नेल्स लगाए हैं, हेयर मतलब स्ट्रेट किए हैं, स्टाइल तो कुछ नहीं किए, एंड घर आके मेकअप और ड्रेस व्रेस चेंज करते हैं. एंड ये है धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच होने वाली है, क्योंकि किसी को लेने आना है, छोड़ने आना है एंड ऑल, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं एंड ऑल, हमारे घर के फैमिली के भी लोग हैं. सो वो ही चलने वाला है, लेट्स सी कितना टाइम पे हो पाता है. फर्स्ट टाइम इस टाइप का इवेंट हो रहा है तो हम लोगों को भी ऐसे नर्वसनेस रहता है ना कि ये हो जाएगा. वैसे तो सब कुछ दिया ही होता है उन लोगों को, बट स्टिल पीपल अरेंज करना इज अ टास्क. सो लेट्स सी कैसे वर्क करता है ना दिल. तो बस आपको मैं दिखाती रहूंगी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का, बाकी आप बर्थडे का हाईलाइट बाद में देख लेना, बिकॉज मैं कितना ब्लॉग कर पाऊंगी आई डोंट नो, एंड हेज़ल कितना कोऑपरेट करेगी वो भी हमको नहीं पता है अभी तक. सो देखते हैं आज कैसा रहता है दिन, चलिए. सो हम लोग आ गए हैं बैंक्वेट हॉल डेकोरेशन चेक करने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है. तो बस उनको पूछा हमने कि कितना और टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला 1 hour में कंप्लीट हो जाएगा. तो बस बहुत ही प्यारा किया था, आप लोग है ना शॉर्ट्स में देख लेना. एंड फाइनली हमारी बर्थडे गर्ल भी आ गई है. एक्चुअली जो भी हम रेडी हो रहे थे उसका कुछ भी ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला है, बट बहुत ही सुंदर डेकोरेशन लग रहा था और हेज़ल भी बहुत प्यारी लग रही थी. ये वाली ड्रेस मैंने काफ़ी पहले ले रखी थी बट बहुत ही अच्छी लग रही थी. ऑलराइट, काफ़ी गेस्ट आ चुके थे इसलिए हमने केक कटिंग स्टार्ट किया था, और केक कटिंग करने के बाद हेज़ल को तो स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो बिल्कुल भी खा नहीं रही थी. हमने ट्राई करवाया, उसको लगा हाँ कुछ खिला रहा है, बट शी डजंट लाइक केक क्योंकि स्वीट नहीं पसंद है. तो एनीवेज वही हम लोगों ने पार्टी कंटिन्यू की, सब लोग आ रहे थे, गेस्ट गिफ्ट देते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं एंड लाइक वाइज बस वही रहता है. एंड कुछ कुछ लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, सब लोग मिलते हैं तो वही होता है इवेंट्स में. It's Angel's birthday.
टच वुड हेजल ने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया था, वो मतलब रोई नहीं थी, उसको पता है कि हाँ मम्मा पापा कुछ करवा रहे हैं, वो उसको फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। अदरवाइज़ क्या होता है कि इफ़ बच्चा क्रैंकी हो जाता है ना तो मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज आप कैसे संभालोगे, पूरा इवेंट भी आपको अटेंड करना है एंड ऑल। उसके बाद वही हम लोग सब डिनर करने के लिए चले गए और हम डांस करने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरा भाई और पापा दोनों ही निकलने वाले थे सूरत। और ये वाली जो कार है ना जिसमें हेजल की एंट्री हुई थी, वो कार से इतने बच्चे खेल रहे थे, सब लोग बच्चे बहुत ही खुश थे, एक दूसरे को करवा रहे थे ऐसे राइड, और हमको बहुत अच्छा लगा। लास्ट में हमने डांस पार्टी किया एंड डिनर करके पार्टी का एंड हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, इफ़ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।